राज्यभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जयपुर अशोक गहलोत में ने कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में जाट समाज में 5, राजपूत समाज से 3, गुर्जर समाज से 3 और ब्राह्मण समाज से 2 मंत्री हो गए हैं। वहीं अब मुस्लिम समुदाय से भी 2 मंत्रिमंडल में नेता हो गए हैं, जबकि वैश्य समुदाय से 3 और SC वर्ग से 4 मंत्री हैं। ST वर्ग से मंत्रिमंडल में अब 5 मंत्री शामिल हो गए हैं। मंत्रिमंडल में 1 यादव, 1 बिश्नोई और 1 माली समुदाय के विधायक शामिल है। राजस्थान की अशोक गहलोत कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें विधिवत रूप से विस्तार हुआ है और गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार में 12 नए मंत्री शामिल किए गए और 3 पुराने राज्य मंत्रियों को कैबिनेट के रूप में प्रमोट किया गया है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ममता भूपेश बैरवा
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति का मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंद राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिरजेंद्र सिंह ओला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उस मैं मुरारीलाल मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं राजेंद्र गुड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य में राज्य मंत्री के रूप में I Zahida Khan do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously